अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज़ हमजा ख़ान आई होप यू आर डूइंग वेल अगर आप यूके से अपनी जो एजुकेशन है उसे कंप्लीट करना चाहते हैं और आप एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं जिसके थ्रू ये आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप जो अपनी हायर एजुकेशन है उसे कंप्लीट कर सके फ्रॉम यू के दैन इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू सम न्यू अपॉर्चुनिटी कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो प्रोवाइड की जा सकती है अगर आप उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जिसकी एप्लीकेशन जो है वो सून अनाउंस होने वाली है इस वीडियो के थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग करवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में अंडरस्टैंडिंग बना सकें और जब एप्लीकेशन अनाउंस हो तो उस टाइम पर जब आपकी एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है तो आपको उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है दैट इज़ एक्चुअली अचीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि यूके की गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है ईच ईयर डिफरेंट जो अचीविंग एलिजिबल कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो एप्लीकेंट है ईच ईयर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें चांस मिल सके कि वो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपने जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे प्रस्यू कर सकें फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़ यूके के चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक कम्पटिव स्कॉलरशिप प्रोग्राम है यानी बहुत सारे स्टूडेंट ईच ईयर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन आप लोगों ने भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ज़रूर अप्लाई करना है और एक अच्छे में अप्लाई करना है ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके कि आप अपनी जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे प्रस्यू कर सकें फ्रॉम यू के एन डेट टू अंडरा फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम गिव अप नहीं करना ये नहीं सोचना कि बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या पता अगर मैं अप्लाई करूं तो मैं उस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट ना हो पाऊं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं तो शायद हमारे से वो जो काम हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाते तो हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना है पॉजिटिव सोचना है अपने आप को मोटिवेट करना है गिवअप नहीं करना ये सोच कर अप्लाई करना है कि इन शाह तला हमारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर ज़रूर सिलेक्शन होगी और हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ज़रूर अवेल करेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है बेनिफिट uh, क्या मिलेंगे अगर हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स uh, कौन से रिक्वायर्ड हो, uh, होते हैं अगर हम चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और एप्लीकेशन कब अनाउंस होती हैं और एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है और इन सब चीज़ों को uh, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जो चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसे एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर हमने चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है uh, तो कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने मीट करना है अगर आप चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसकी जो एप्लीकेशन है वो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ओपन होंगी तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो है चीवनिंग जो एलिजिबल कंट्री हैं उसकी जो सिटीज़नशिप होल्डर हैं वो होने चाहिए यानी आप एक ऐसे कंट्री से बिलोंग करने चाहिए जो कि चीवनिंग एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉलो करते हैं इसी के साथ साथ आपके पास बैचलर जो डिग्री है उसका कम्प्लीट होना ज़रूरी है यानी जो भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर वो आपके कम्प्लीट होने चाहिए ताकि आपको जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए यूके की यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल किया जाए आपके पास मिनिमम जो है वो टू उसका वर्क एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है ताकि आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सके वर्क एक्सपीरियंस में क्या चीजें इन्वॉल्व हैं कितना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कितने का होना चाहिए इसके बारे में हम लेटर बात करेंगे इसी तरह जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर लेंगे और इनकेस इन स्कॉलरशिप इन प्रोग्राम के अंदर आप सेलेक्ट हो जाते हैं आफ्टर कम्प्लीटिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको अपने होम कंट्री वापस आना पड़ेगा फॉर द पीरियड ऑफ टू ईर्यर्यर्यर्यर्यस तो ये भी एक जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया है जिसको हमने मीट करना है इसी तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप जो है वो थ्री डिफरेंट जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके जो कोर्स प्रोग्राम है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कोर्स प्रोग्राम है उसके अंदर आपकी जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर है आपने उसको ओप्टन करना है हमने कहा था कि वर्क एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है इनकेस अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप चिल्डन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो मेक शोर sure करना है कि आपके पास जो मिनिमम टू ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है उसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो चिल्ड्रेन स्कॉलरशिप की अपीलिकेशन उसे कंसीडर किया जा सके और इन केस आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और अपनी अपलिकेशन को आप सबमिट करते हैं तो आपको कंसीडर नहीं किया जाए

Uh, उसका वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है इसी तरह कोई वॉल्ट्री वर्क आपने किया है उसका जो एक्सपीरियंस है उसको भी जो वर्क एक्सपीरियंस है उसमें काउंट किया जा सकता है तो अब कितने आवर्स ऑफ जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ट्वेंटी एट हंड्रेड आवर्स का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए दैट इज़ द मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जो आप, जो कि आपके पास हो तो इन दैट केस आप जो है वो अचीविंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट के माइंड में अब कन्फ्यूजन होगी कि अगर हम अभी एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर हैं तो अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं तो इस केस में हमारा वर्क एक्सपीरियंस किस तरह से काउंट होगा तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैटर नहीं करता कि आप अभी स्टडी कर रहे हैं या स्टडी नहीं कर रहे आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो हो सकता है कि आपकी जो डिग्री प्रोग्राम है उससे पहले आप आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो और हो सकता है कि आप जो भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम अपना स्टडी कर रहे हैं इसके दौरान जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको भी काउंट किया जाएगा और इसी तरह अगर आपने अपनी डिग्री प्रोग्राम को कम्प्लीट कर लिया है और उसके बाद आपके पास कोई टू uh, ईयर्स का मिनिमम जो वर्क एक्सपीरियंस है एंड दैट शुड भी इक्वल टू ट्वेंटी एट हंड्रेड आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस तो इस तरह से जो है आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसे काउंट किया जाएगा फॉर द चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ना वो विल टॉक अबाउट वट आर द बेिफिट बाई द चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट selected फॉर this स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो जो सबसे पहला benefit है हमारे पास यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी की कवरेज आपको जो है उसका बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है मंथली uh, जो है स्कॉलरशिप के स्टाइप एंड अमाउंट भी आपको प्रोवाइड की जाती है आपकी जो वन टाइम वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट है उसकी कवरेज आपको प्रोवाइड की जाती है इसी तरह आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस है उसकी कवरेज आपको प्रोवाइड की जाती है और आपको अराइविंग अलाउंस के अमाउंट भी प्रोवाइड की जाती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर और इवनिंग की तरफ से अगर कुछ इवेंट्स अरेंज किए जा रहे हैं तो इन इवेंट्स को अटेंड करने के लिए जो ग्रांट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं और जब आप अपने डिग्री प्रोग्राम को कम्प्लीट कर लेंगे तो जो डिपार्चर अलाउंस है यानी फ्रॉम यू के टू योर होम कंट्री उसका जो एक्सपेंस है वो उसकी कवरेज भी आपको प्रोवाइड की जाती है सो दीज आर द नंबर ऑफ बेनिफिट अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि हमने जो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जो अपना मास्टर कोर्स सेलेक्ट करना है उसे किस तरह सेलेक्ट करना है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है जब आप चीवरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो क्योंकि ये वो एक चीज़ है कि जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सिलेक्शन के लिए फॉर द चीवरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो अब जब आपने अपनी मास्टर प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है अंडर द चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो आपने क्या करना है कि आप जो है वो थ्री डिफरेंट जो मास्टर कोर्स प्रोग्राम हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं फ्राम थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपका जो मास्टर कोर्स प्रोग्राम है वो सेम हो सकता है फ्राम थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मास्टर्स कोर्स प्रोग्राम है वो थ्री डिफरेंट मास्टर कोर्स प्रोग्राम हो सकते हैं फ्राम अ सिंगल यूनिवर्सिटी इट्स मीन इफ यू आर अपलाइंग टू द सेम यूनिवर्सिटी यू हैव टू सेलेक्ट थ्री डिफेंट मास्टर कोर्स प्रोग्राम एन केस इफ यू आर अपलाइंग टू द थ्री डिफरेंट यू के यूनिवर्स यू कैन सेलेक्ट द सेम मास्टर कोर्स प्रोग्राम फॉर थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और यू कैन सेलेक्ट द थ्री डिफरेंट मास्टर कोर्स प्रोग्राम फॉर थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ तो इस तरह से आपने जो है अपना मास्टर कॉर्स प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है लेकिन यहाँ पर जो मास्टर्स कोर्स प्रोग्राम है उसका भी कुछ क्राइटेरिया है यानी वो मास्टर्स कोर्स प्रोग्राम कौन सा कोर्स प्रोग्राम होना चाहिए वो मास्टर्स कोर्स प्रोग्राम यानी जो मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम है वो ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो कि फुल टाइम मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए वो ऐसा मास्टर कोर्स प्रोग्राम होना चाहिए कि जो कि बेस्ड हो यू के अंदर यानी यू के अंदर उसको ऑफर किया जा रहा है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं और ऐसा वो कोर्स प्रोग्राम होना चाहिए जिसे टॉट किया जाए यानी रिसर्च बेस्ड ना हो या रिसर्च फोकस्ड ना हो और इसी तरह वो प्रोग्राम जो है वो ऑटम जो टर्म है उसके अंदर स्टार्ट uh, हो और वो ऐसा कोर्स प्रोग्राम होना चाहिए जो कि आपको लीड करे योर मास्टर्स डिग्री क्वालिफिकेशन तो ये चीजें जिनको आप अपने माइंड में रखना है जब आप कोर्स प्रोग्राम को सिलेक्ट कर रहे हो कि जो आपका मास्टर्स कोर्स प्रोग्राम है वो किस टाइप का होना चाहिए और आप जो है वो uh, एक यूनिवर्सिटी में से थ्री डिफरेंट मास्टर कोर्स प्रोग्राम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जो है वो थ्री डिफरेंट कोर्स प्रोग्राम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आप जो सेम थ्री मास्टर कोर्स प्रोग्राम है उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह से कुछ आपने अपना जो मास्टर्स कोर्स प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट करना है अगर आप चीवरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ना वी विल टॉक अबाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कि अगर हम चीवरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन तो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे होंगे इंक्लूडिंग द रेफरेंसेज इंक्लूडिंग द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एंड वन अनकंडीशनल ऑफ़र फ्रॉम यूके यूनिवर्सिटी तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है रिमेंबर वन आपने जो थ्री डिफरेंट मास्टर कोर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था आयदर इन थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और आपने अगर सेम कोर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था आयदर इन थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और अगर आपने थ्री डिफरेंट कोर्स मास्टर प्रोग्राम चूज़ किए थे फ्रॉम अ सिंगल यूनिवर्सिटीज तो इन सारे केसेस के अंदर आपने उन थ्री मास्टर कोर्स प्रोग्राम में से या उन थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में से या उस एक सिंगल यूनिवर्सिटी में से जिसमें आपने थ्री डिफरेंट मास्टर कोर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था किसी एक मास्टर्स कोर्स प्रोग्राम के लिए आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर ऑप्टेन करना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है या डॉक्यूमेंट है जिसको आपको सबमिट करना पड़ेगा बिकॉज अगर आपके पास अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर नहीं होगा फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एय मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम तो आपको चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा तो मे शो करना है कि इस लेटर को बाय द गिवन डेडलाइन जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी कि तब तक आपने जो है एक अनकंडीशनल ऑफ़र जो है उसे ऑप्टेंट करना है फ्राम यूनिवर्सिटी तो तब तक आपने जो है उस लेटर को ऑप्टेन करना है और मेक श्योर करना है कि आप उस डेडलाइन के अंदर जो है किसी भी एक यूनिवर्सिटी से जिसके अंदर आप अप्लाई किया है या अगर सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है फॉर थ्री डिफरेंट कोर्सेज़ तो उनमें से किसी एक कोर्स से आपको uh, जो है वो अनकंडीशन जो ऑफर है उसको आपने अपटेन करना है इन केस अगर आप ऑप्टेन नहीं करेंगे तो आपको चिवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा एज द चीविन स्कॉलॉरशिप प्रोग्राम इज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ए मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम टू स्टडी फ्राम यू तो इसके लिए जो अप्लाई करने का तरीका है वो ऑनलाइन है आपने सिंपली क्या करना है कि जो चिवनिंग के ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर जाकर अपनी अपल्लिकेशन को सबमिट करना है तो इस तरह से आप जो है अचीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मेक श्योर करना है कि डेडलाइन से पहले पहले आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है ताकि आपके एप्लीकेशन को कंसिडर किया जा सके और लास्ट पर एक इंपॉर्टेंट बात कि एप्लीकेशन डेडलाइन कब तक है चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए जिसकी जो एप्लीकेशन है वो ट्वेंटी में अनाउंस होंगी तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो एप्लीकेशन हैं वो अनाउंस नहीं हुई तो एप्लीकेशन जो है वो अनाउंस होंगी तो अराउंड अगस्त एंड फ्रॉम अगस्त आपके पास जो है वो डेडलाइन हो अराउंड नवंबर तो अगस्त 2023 से लेकर अराउंड नवंबर 2023 तक या नवंबर 2023 तक आपके पास डेडलाइन होगी कि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें क्योंकि एप्लीकेंट जो है वो डिफरेंट कंट्री से अप्लाई हैं तो डेडलाइन को चेक करने के लिए आपने क्या करना है ऑफिशियल तो साइट uh, है आपने वहां पर जाना वहां पर जाने के बाद जिस भी कंट्री से आप चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपनी कंट्री को सर्च करें और वहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो इजीली मिल जाएगी देन उसके मुताबिक आपने उस चीवनिंग का जो पोर्टल है वहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो इस तरह से आप चीवनिंग की जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है उसको इंश्योर कर सकते हैं सो आई होप सो कि जो अपॉर्चुनिटी की इन्फॉमेशन है आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं और आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप किस तरह से जो है एक फ़ुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपने जो मास्टर्स डि है उसे कंप्लीट कर सकते हैं फ्रॉम यूके एंड दैट टू अंडर यूके गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन एनी क्यूरी यू कैन डेफिनेटली आस्क मी आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल सो दैट्स देट्स आर फ्राम द नेक्स्ट वन टिलन अल्लाह हाफिज